नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्चुअल कंस्ट्रक्शन की और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पर्लिंस क्या होते हैं और इसके क्या यूजेस होते हैं स्ट्रक्चर स्टील की बिल्डिंग में। तो दोस्तों, आपने देखा होगा स्ट्रक्चर स्टील की जो भी बिल्डिंग होती हैं उसमें शीटिंग लगी होती है, रूफ पे भी और साइड में भी। जो रूफ वाली शीटिंग है उसे रूफ शीटिंग कहते हैं और जो साइड वाली शीटिंग है उसे क्लैडिंग शीट कहते हैं। तो ये आपने सोचा होगा कि ये किस पे सपोर्ट करती है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये पर्लिन पे सपोर्ट करती है। जो शीट होती है, जो रूफ शीटिंग होती है, वो रूफ पर्लिन पे होती है। जो क्लैडिंग शीट होती है वो क्लैडिंग वाले पर्लिन पे सपोर्ट करती है। तो मटेरियल वाइज जो पर्लिन है वो दो तरीके के यूज़ होते हैं। पहला है एमएस का, माइल्ड स्टील का, जिसे हम बोलते हैं कोल्ड रोल, और दूसरा है जीआई का, गैल्वनाइज्ड आयरन का। तो जो गैल्वनाइज्ड आयरन का जो होता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उसमें रस्टिंग का कोई दिक्कत नहीं होता, जो रस्ट नहीं लगता है उसमें। और जो एमएस स्टील का होता है उसको रस्ट लग जाता है, इसलिए उस पर प्राइमर और पेंट वगैरह किया जाता है, वो अलग से खर्चा उसका बढ़ जाता है। तो इसलिए जीआई का बढ़िया रहता है, लेकिन वो महंगा होता है। तो जिनको बजट की थोड़ी दिक्कत होती है वो एमएस स्टील का यूज़ करते हैं, जिसको बजट की दिक्कत नहीं होती, क्वालिटी उनके लिए ज़्यादा मैटर करती है, तो वो जीआई का यूज़ कर लेते हैं। तो अब बात आती है साइज़ ऑफ पर्लिन की, जो मेनली दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो है नेचर ऑफ रूफ कवरिंग, कि कौन सी कवरिंग हम यूज़ कर रहे हैं, रूफ शीटिंग है या डेकिंग है, तो उस हिसाब से इसका डिज़ाइन किया जाता है और इसका साइज़ वगैरह इस पर डिपेंड करता है। तो दूसरी जो चीज़ आती है इसमें वो है विंड एंड सीज़मिक लोड। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी हाइट है हमारी रूफ ट्रस की और कौन सी विंड लोड एक्ट करता है कि नहीं, और सीज़मिक लोड जो है वो एक्ट करता है कि नहीं, तो उसी हिसाब से ये डिज़ाइन किया जाता है। तो थर्ड वन जो फैक्टर है पर्लिन के साइज़ में जो मैटर करता है वो है स्पेस ऑफ रूफ ट्रस, कि रूफ ट्रस के बीच में कितनी स्पेस है। अगर ज़्यादा स्पेस है तो उसका साइज़ ज़्यादा होता है, उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है पर्लिन की। अगर रूफ ट्रस के बीच में स्पेस कम है तो हम कम साइज़ का भी यूज़ कर सकते हैं और कम थिकनेस का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो अब बात आती है पर्लिन के शेप्स की। तो दो तरह के शेप यूज़ किए जाते हैं पर्लिन में, एक होता है जेड शेप पर्लिन और होता है दूसरा होता है सी शेप पर्लिन। तो जो इसमें से जेड शेप पर्लिन है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है रूफ शीटिंग में, रूफिंग में, और जो सी शेप पर्लिन है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है क्लैडिंग के लिए, क्लैडिंग की जो शीट सपोर्ट करनी है उसके लिए। तो दोस्तों, जैसे हम आरसीसी की स्लैब डालते टाइम कंक्रीट में स्टील डालते हैं, उसी तरह रूफ शीटिंग करते टाइम उसमें पर्लिन का यूज़ किया जाता है उसकी सपोर्ट के लिए, और स्ट्रक्चर को डेंस दिखाने के लिए भी पर्लिन यूज़ होते हैं। इससे स्ट्रक्चर काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर हो जाता है, एक तरह से आप कह सकते हैं। पर्लिन्स आर मेनली यूज टू रिजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट इन एडिशन टू एक्सियल लोड। तो बेंडिंग मोमेंट के कारण अगर जो पर्लिन है वो बेंड होता भी है तो उसके लिए सैग रोड का यूज़ किया जाता है। तो सैग रोड पर्लिन में अल्टरनेटिवली फिक्स की जाती है नट एंड बोल्ट के साथ, और सैग रोड 12 mm से कम थिकनेस की यूज़ नहीं की जाती है कभी भी। सैग रोड इज़ मेनली यूज टू रिजिस्ट सैगिंग एंड होगिंग मोमेंट इन पर्लिन। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।